ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 37 चावड़ी समारोह। इस अध्याय में हम कुछ वेदांतिक विषयों पर प्रारंभिक दृष्टि से समालोचना कर चावड़ी के भव्य समारोह का वर्णन करेंगे। प्रारंभ। धन्य है श्री साई जिनका जैसा जीवन था वैसा ही अवर्णनीय लीला विलास और अद्भुत क्रियाओं से पूर्ण नित्य के कार्यक्रम भी। कभी तो वे समस्त संसारिक कार्यों से अलिप्त रहकर कर्मकांडी से प्रतीत होते और कभी ब्रह्मानंद और आत्मज्ञान में निमग्न रहा करते थे। कभी वे अनेक कार्य करते हुए भी उनसे असंबंध रहते थे। यद्यपि कभी कभी वे पूर्ण निष्क्रिय प्रतीत होते तथापि वे आलसी नहीं थे। प्रशांत महासागर की तरह सदैव जागरूक रहकर भी वे गंभीर प्रशांत और स्थिर दिखाई देते थे। उनकी प्रकृति का वर्णन तो सामर्थ्य से परे है। यह तो सर्वविदित है कि वे बाल ब्रह्मचारी थे। वे सदैव पुरुषों को भ्राता तथा स्त्रियों को माता या बहन सदृश ही समझा करते थे। उनकी संगति द्वारा हमें जिस अनुपम ज्ञान की उपलब्धि हुई है उसकी विस्मृति मृत्यु पर्यंत ना होने पाए, ऐसी उनके श्री चरणों में हमारी विनम्र प्रार्थना है। हम समस्त भूतों में ईश्वर का ही दर्शन करें और नाम स्मरण की रसानुभूति करते हुए हम उनके मोह विनाशक चरणों की अनन्य भाव से सेवा करते रहें, यही हमारी आकांक्षा है। हिमाड पंत ने अपने दृष्टिकोण द्वारा आवश्यकता अनुसार वेदांत का विवरण देकर चावड़ी के समारोह का वर्णन निम्न प्रकार किया है। चावड़ी का समारोह। बाबा के शयनागर का वर्णन पहले ही हो चुका है। वे एक दिन मस्जिद में और दूसरे दिन चावड़ी में विश्राम किया करते थे और यह कार्यक्रम उनकी महासमाधि पर्यंत चालू रहा। भक्तों ने चावड़ी में नियमित रूप से उनका पूजन अर्चन 10 दिसंबर सन 1909 से आरंभ कर दिया था। अब उनके चरणामबुंजों का ध्यान कर हम चावड़ी के समारोह का वर्णन करेंगे। इतना मनमोहक दृश्य था कि देखने वाले ठिठक ठिठक कर रह जाते थे और अपनी सुध-बुध भूल यही आकांक्षा करते थे कि यह दृश्य कभी हमारी आंखों से ओझल ना हो। जब चावड़ी में विश्राम करने की उनकी नियमित रात्रि आती तो उस रात्रि को भक्तों का अपार जन समुदाय मस्जिद के सभा मंडप में एकत्रित होकर घंटों तक भजन किया करता था। उस मंडप के एक ओर सुसज्जित रथ रखा जाता था और दूसरी ओर तुलसी वृंदावन था। सारे रसिक जन सभा मंडप में ताल चिपलिस करताल मृदंग खंजरी और ढोल आदि नाना प्रकार के वाद्य लेकर भजन आरंभ कर देते थे। हम सभी भजनानंदी भक्तों को चुंबक के समान आकर्षित करने वाले तो श्री साईं बाबा ही थे। मस्जिद के आंगन को देखो तो भक्तगण बड़ी उमंगों से नाना प्रकार के मंगल कार्य संपन्न करने में संलग्न थे। कोई तोरण बांधकर दीपक जला रहे थे तो कोई पालकी और रथ का श्रृंगार कर निशान आदि हाथों में लिए हुए थे। कहीं कहीं श्री साईं बाबा की जय जयकार से आकाश मंडल गुंजायमान हो रहा था। दीपों के प्रकाश से जगमगाती मस्जिद ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो आज मंगलदायिनी दीपावली स्वयं शिरडी में आकर विराजित हो गई हो। मस्जिद के बाहर दृष्टिपात किया तो द्वार पर श्री साईं बाबा का पूर्ण सुसज्जित घोड़ा श्याम सुंदर खड़ा था। श्री साईं बाबा अपनी गादी पर शांत मुद्रा में विराजित थे कि इसी बीच भक्त मंडली सहित तात्या पाटिल ने आकर उन्हें तैयार होने की सूचना देते हुए उठने में सहायता की। घनिष्ठ संबंध होने के कारण तात्या पाटिल उन्हें मामा कहकर संबोधित किया करते थे। बाबा सदैव की भांति अपनी वही कफनी पहनकर बगल में सटका दबाकर चिलम और तंबाकुल साथ लेकर कंधे पर एक कपड़ा डालकर चलने को तैयार हो गए। तभी तात्या पाटिल ने उनके कंधों पर एक सुनहरा जरी का शेला डाल दिया। इसके पश्चात स्वयं बाबा ने धुनी को प्रज्वलित रखने के लिए उसमें कुछ लकड़ियां डालकर तथा धुनी के समीप के दीपक को बाएं हाथ से बुझाकर चावड़ी को प्रस्थान कर दिया।
अब नाना प्रकार के वाद्य बजने आरंभ हो गए और उनसे विविध स्वर निकलने लगे। सामने रंग बिरंगी आतिशबाजी चलने लगी और नर नारी भांति भांति के वाद्य बजाकर उनकी कीर्ति के भजन गाते हुए आगे आगे चलने लगे। कोई आनंद विभोर हो नृत्य करने लगा तो कोई अनेक प्रकार के ध्वज और निशान लेकर चलने लगा। जैसे ही बाबा ने मस्जिद की सीढ़ी पर अपने चरण रखे वैसे ही भालदार ने ललकार कर उनके प्रस्थान की सूचना दी। दोनों ओर से लोग चवर लेकर खड़े हो गए और उन पर पंखा चलने लगे। फिर पथ पर दूर तक बिछे हुए कपड़ों के ऊपर से समारोह आगे बढ़ने लगा। तात्या पाटिल उनका बायां तथा महालसापति दायां हाथ पकड़कर तथा बापू साहेब जोग उनके पीछे छत्र लेकर चलने लगे। इनके आगे आगे पूर्ण सुसज्जित अश्व श्याम सुंदर चल रहा था और उसके पीछे भजन मंडली तथा भक्तों का समूह वाद्यों की ध्वनि के संग हरि और साईं नाम की ध्वनि जिससे आकाश गूंज उठता था उच्चारित करते हुए चल रहा था। अब समारोह चावड़ी के कोने पर पहुंचा और सारा जन समुदाय अत्यंत आनंदित तथा प्रफुल्लित दिखलाई पड़ने लगा। जब कोने पर पहुंचकर बाबा चावड़ी के सामने खड़े हो गए उस समय उनके मुख मंडल की दिव्य प्रभा बड़ी अनोखी थी। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो अरुणोदय के समय बाल रवि क्षितिज पर उदित हो रहा हो। उत्तराभिमुख होकर वे एक ऐसी मुद्रा में खड़े हो गए जैसे कोई किसी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हो। वाद्य पूर्ववत ही बजते रहे और वे अपना दाहिना हाथ थोड़ी देर ऊपर नीचे उठाते रहे। वादक बड़े जोरों से वाद्य बजाने लगे और इसी समय काका साहेब दीक्षित गुलाल की वर्षा करने लगे। बाबा के मुखमंडल पर रक्तिम आभा जगमगाने लगी और सब लोग तृप्त हृदय होकर उस रस माधुरी का आस्वादन करने लगे। इस मनमोहक दृश्य और अवसर का वर्णन शब्दों में करने में लेखनी असमर्थ है। भाव विभोर होकर भक्त महालसापति तो नृत्य करने लगे परंतु बाबा की अभंग एकाग्रता देखकर सब भक्तों को महान आश्चर्य होने लगा। एक हाथ में लालटेन लिए तात्या पाटिल बाबा के बाईं ओर और आभूषण लिए महालसापति दाहिनी ओर चले। देखो तो कैसे सुंदर समारोह की शोभा तथा भक्ति का दर्शन हो रहा है। इस दृश्य की झांकी पाने के लिए ही सहस्त्रों नर नारी क्या अमीर और क्या फकीर सभी वहां एकत्रित थे। अब बाबा मंद मंद गति से आगे बढ़ने लगे और चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण दिखाई पड़ने लगा। संपूर्ण वायुमंडल भी खुशी से झूम उठा और इस प्रकार समारोह चावड़ी पहुंचा। अब वैसा दृश्य भविष्य में कोई ना देख सकेगा। अब तो केवल उसकी याद करके आंखों के सम्मुख उस मनोरम अतीत की कल्पना से ही अपने हृदय की प्यास शांत करनी पड़ेगी। चावड़ी की सजावट भी अति उत्तम प्रकार से की गई थी। उत्तम चांदनी शीशे और भांति भांति की हांडी लालटेन गैस बत्ती लगे हुए थे। चावड़ी पहुंचने पर तात्या पाटिल आगे बढ़े और आसन बिछाकर तकिए के सहारे उन्होंने बाबा को बैठाया। फिर उनको एक बढ़िया अंगरखा पहनाया और भक्तों ने नाना प्रकार से उनकी पूजा की। उन्हें स्वर्ण मुकुट धारण कराया तथा फूलों और ज्वाहरों की मालाएं उनके गले में पहनाई। फिर ललाट पर कस्तूरी का वैष्णव तिलक तथा मध्य में बिंदी लगाकर दीर्घ काल तक उनकी ओर अपलक निहारते रहे। उनके सिर का कपड़ा बदल दिया गया और उसे ऊपर ही उठाए रहे क्योंकि सभी शंकित थे कि कहीं भी उसे फेंक न दें। परंतु बाबा तो अंतर्यामी थे और उन्होंने भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार ही पूजन करने दिया। इन आभूषणों से सुसज्जित होने के उपरांत तो उनकी शोभा अवर्णनीय थी। नाना साहेब निमोनकर ने एक सुंदर वृत्ताकार छत्र लगाया जिसके केंद्र में एक छड़ी लगी हुई थी। बापू साहेब जोग ने चांदी की एक सुंदर थाली में पाद प्रक्षालन किया और अग्रय देने के पश्चात उत्तम विधि से उनका पूजन अर्चन किया और उनके हाथों में चंदन लगाकर पान का बीड़ा दिया। उन्हें आसन पर बिठाया गया। फिर तात्या पाटिल तथा अन्य सब भक्तगण उनके श्री चरणों में अपना शीश झुकाकर प्रणाम करने लगे। जब वे तकिए के सहारे बैठ गए तब भक्तगण दोनों ओर से चवर और पंखे झलने लगे। श्यामा ने चिलम तैयार कर तात्या पाटिल को दी।
उन्होंने एक फूंक लगाकर चिलम प्रज्वलित की और उसे बाबा को पीने को दी। उनके चिलम पी लेने के पश्चात फिर वह भक्त महालसापति को तथा बाद में सब भक्तों को दी गई। धन्य है वो निर्जीव चिलम। कितना महान तप है उसका जिसने कुम्हार द्वारा पहले चक्र पर घुमाने, धूप में सुखाने, फिर अग्नि में तपाने जैसे अनेक संस्कार पाए, तब कहीं उसे बाबा के कर स्पर्श तथा चुंबन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब यह सब कार्य समाप्त हो गया तब भक्तगण ने बाबा को फूल मालाओं से लाद दिया और सुगंधित फूलों के गुलदस्ते उन्हें भेंट किए। बाबा तो वैराग्य के पूर्ण अवतार थे। वे उन हीरे जवाहरात व फूलों के हारों तथा इस प्रकार की सज धज में कब रुचि लेने वाले थे, परंतु भक्तों के सच्चे प्रेम वश ही उनके इच्छा अनुसार पूजन करने में उन्होंने कोई आपत्ति ना की। अंत में मांगलिक स्वर में वाद्य बजने लगे और बापू साहेब जोग ने बाबा की यथाविधि आरती की। आरती समाप्त होने पर भक्तों ने बाबा को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर सब एक एक करके अपने घर लौटने लगे। तब तात्या पाटिल ने उन्हें चिलम पिलाकर गुलाब जल, इत्र इत्यादि लगाया और विदा लेते समय गुलाब का एक पुष्प भी दिया। तभी बाबा प्रेम पूर्वक कहने लगे कि तात्या, मेरी देखभाल भली भांति करना। तुम्हें घर जाना है तो जाओ, परंतु रात्रि में कभी कभी आकर मुझे देख भी जाना। तब स्वीकारात्मक उत्तर देकर तात्या पाटिल चावड़ी से अपने घर चले गए। फिर बाबा ने बहुत सी चादरें बिछाकर स्वयं अपना बिस्तर लगाकर विश्राम किया। अब हम भी विश्राम कर इस अध्याय को समाप्त करते हुए पाठकों से प्रार्थना करते हैं कि वे प्रतिदिन शयन के पूर्व श्री साईं बाबा और चावड़ी के समारोह का ध्यान अवश्य कर लिया करें। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 37 संपूर्णम। बोलिए साईनाथ महाराज की जय।